सुनते बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं गुंजन। हाजिर मार्ग के क्षेत्र आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों को समेट। देश के प्रधानमंत्री अपने वादों पर अमल करते तो बदल जाती जम्मू की तस्वीर, सुधर जाता पाकिस्तान, ये कहना है सांसद और बीजेपी से निलंबित नेता कृति आजाद का। बिना नाम लिए नीतीश कुमार के सबसे करीबी संजय झा को बताया चिरकुट नेता। कहा बिना जमीनी हकीकत जाने झूठे प्रचार करते हैं। पूरे बिहार में विकास हो रहा, दरभंगा में विकास नहीं। सर्वे कार्यालय का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। बंदोबस्ती कार्य फिर से होगा। 50,000 केस है लंबित। कर्मियों की भारी कमी से कार्य है पेंडिंग। खंडहर मकान से 160 कार्टून विदेशी शराब जब्त। नशे की हालत में 3 गिरफ्तार। डीएसपी ने दी तमाम जानकारी। विभिन्न मस्जिदों एवं ईदगाहों में अदा हुई रमजान के अंतिम जुमे की नमाज, दुआओं में उठे हाथ। और जगह जगह दावते इफ्तार पार्टी का हुआ आयोजन, जुटे आम और खास। खबरें विस्तार से किंतु थोड़ी देर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वादों पर अमल करते हुए अगर अपने एक सर के बदले पाकिस्तानी के 10 सर लाया होता तो न सिर्फ जम्मू की तस्वीर बदल जाती, पाकिस्तान भी सुधर जाता। ये कहना है सांसद और बीजेपी से निलंबित नेता कृति आजाद का। पत्रकार के साथ मुखातिब होते हुए कृति आजाद ने राजनाथ सिंह के बयान के साथ जम्मू दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि कब से बयान आ रहा है कि जम्मू की हालत का हाल में बदल देंगे, लेकिन यह होता नहीं दिख रहा। प्रधानमंत्री बनने, प्रधानमंत्री को आईना दिखाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री के बाद जनता से किए इस वादे का आखिर क्या हुआ। कहां गई सालाना 2 करोड़ लोगों की नौकरियां? कहां गया 15 लाख प्रत्येक लोगों को मिलने वाला रुपया? देश में महिलाओं के साथ बलात्कार और अपहरण जैसी घटना बढ़ी तो किसान के हालत बदतर हुआ। बिना नाम लिए नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता संजय झा को चिरकुट नेता का संबोधन करते हुए कहा कि बिना जमीनी हकीकत जाने झूठे प्रचार करते हैं कि पूरे बिहार में विकास हो रहा और दरभंगा में विकास नहीं हो रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वादों पर अमल करते हुए अगर अपने एक सर के बदले पाकिस्तानी के 10 सर लाया होता तो न सिर्फ जम्मू की तस्वीर बदल जाती, पाकिस्तान सुधर जाता। ये कहना है सांसद और बीजेपी से निलंबित नेता कृति आजाद का। पत्रकार के साथ मुखातिब होते हुए कृति आजाद ने राजनाथ सिंह के बयान के साथ जम्मू दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि कब से बयान आता रहा है कि जम्मू की हालत हर हाल में बदल देंगे, लेकिन यह होता नहीं दिख रहा। प्रधानमंत्री को आईना दिखाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री के बाद जनता से किए गए वादे का आखिर क्या हुआ। कहां गई सालाना 2 करोड़ लोगों की नौकरियां? कहां गया 15 लाख प्रत्येक लोगों को मिलने वाला रुपया? देश में महिलाओं के साथ बलात्कार और अपहरण जैसी घटना बढ़ी तो किसान के हालत बदतर हुए। बिना नाम लिए नीतीश कुमार के सबसे करीबी संजय झा को चिरकुट नेता का संबोधन करते हुए कहा कि बिना जमीनी हकीकत जाने झूठे प्रचार करते हैं कि पूरे बिहार में विकास हो रहा, दरभंगा में विकास नहीं। इसका जवाब जो आपने राजनाथ जी के बारे में कहा कि हम युवाओं को वापस मुख्य धारा में लेके आएंगे तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। बहुत सालों से प्रयास हो रहा है लेकिन हुआ कुछ नहीं है। मेरा केवल इतना कहना है
कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले एक चीज कही थी कि पाकिस्तान हमारा एक सर लेगा, हम उसके 10 सर लेंगे। यदि हमने वो 2-3 बार करके दिखा दिया तो जम्मू कश्मीर की समस्या अपने आप समाधान हो जाएगी, लेकिन वह करने के लिए हमारे पास हिम्मत और शक्ति होनी चाहिए। हम एक सक्षम राष्ट्र हैं, अपनी रक्षा करने में हम बहुत प्रबल हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि नरेंद्र मोदी जी की वह बात आज सच्ची हो जाएगी, एक सर के बदले 10 सर लेना शुरू कर दें, तो आप देखिएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगले 6 महीने के अंदर सारी समस्याएं समाधान हो जाएगा। सर्वे कार्यालय का निरीक्षण जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने किया, स्थिति संतोषजनक बताया। हालांकि कर्मियों की कमी की वजह से कार्यों का निष्पादन नहीं हो रहा। बंदोबस्त कार्य प्रारंभ किया जाएगा जिसमें 50,000 केसों का निष्पादन होना है। दरभंगा जिला का 30,000 और समस्तीपुर मधुबनी मिलाकर 20,000 केस लंबित है जिसका कई वर्षों से निष्पादन नहीं हुआ है। हवाई सर्वेक्षण नए सिरे से होगा जिसका कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा। सर्वे कार्यालय का निरीक्षण जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने किया, स्थिति संतोषजनक बताया। हालांकि कर्मियों की कमी की वजह से कार्य का निष्पादन नहीं हो रहा। बंदोबस्त कार्य फिर से प्रारंभ किया जाना है जिसमें 50,000 केसों का निष्पादन होना है। दरभंगा जिला का 30,000 और समस्तीपुर मधुबनी मिलाकर 20,000 केस लंबित है जिसका कई वर्षों से निष्पादन नहीं हुआ। हवाई सर्वेक्षण नए सिरे से होगा जिसका काम भी प्रारंभ किया जाएगा। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। कार्यालय का निरीक्षण किए हैं और बंदोबस्त कार्यालय 1992 में इसके पहले निरीक्षण हुआ था। बंदोबस्त न्यायालय का कार्य फिर से प्रारंभ होने जा रहा है। विभाग का पत्र आया है, लगभग 50,000 केसेज उसमें लंबित हैं, तो उन्हीं के लिए हम लोग तैयारी की समीक्षा किए किस प्रकार से उसकी सुनवाई होगी। पदाधिकारियों और कर्मियों की कमी है, इनके लिए हम लोग विभाग को लिख रहे हैं। और बाकी जो हवाई सर्वेक्षण हुआ था उसका भी कार्य प्रारंभ किया जाना है। उसके अनुसार नया सर्वे होगा और नए रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे, तो उसकी भी तैयारी के हम लोगों ने समीक्षा किया है। तो स्थिति संतोषजनक है, लेकिन कार्यालय कर्मी जो हैं उनकी भारी कमी है, पदाधिकारियों की भी कमी है, और उसके लिए हम लोग विभाग से अनुरोध कर रहे हैं, तभी कार्य में तेजी आ पाएगी। जो 50,000 केस BT एक्ट के तहत, वो उसमें तीनों जिले चुके हैं, बंदोबस्त जिला दरभंगा ही है, अभी इसमें मधुबनी और समस्तीपुर जिला भी है। लगभग 30,000 केस जो है वो दरभंगा जिला का है और शेष 20,000 में दोनों जिलों समस्तीपुर और मधुबनी का केस है। तो उसकी सबकी सुनवाई यहीं होगी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा। कब से उम्मीद आप से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कुछ और कर्मियों को यहाँ उपलब्ध कराया जाए, उसके बाद तुरंत शुरू हो जाएगी। नशे की हालत में 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मामला सदर थाना क्षेत्र के कबीरचक इंजीनियर गैस गोदाम के पास का है। खंडहर मकान से 160 कार्टून विदेशी शराब पुलिस ने जब्त किया। नशे की हालत में 3 व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। मामला सदर थाना क्षेत्र के कबीरचक इंजीनियर गैस गोदाम के पास का है। गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर 1400 लीटर शराब जब्त किया गया। तमाम जानकारी DSP अनोज कुमार ने मीडिया को दी। सर, आज भारी मात्रा में दारू पकड़ी गई, लगातार सर पुलिस द्वारा पकड़ी जा रही है, क्या कहेंगे? शराबबंदी, बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी मात्रा में शराब बरामद किया जा रहा है। इसी कड़ी में रात में आई है जो इंजीनियर गैस गोदाम के पास एक खंडहर है, जिसमें आज रात ही छिपा कर रखा है और वो वहीं ले जाकर के फिर दूसरे स्थान पर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। सूचना पर टीम बना करके सदर थाना इंस्पेक्टर के नेतृत्व में भेजा गया, जिसमें एक खंडहर है, पता लगाया गया किसी का जमीन है जहाँ विवाद चल रहा है, इसके कारण एक बाउंड्री रूमा है और खुला है, उसी में एक छोटा सा कमरा है जिसमें चेक किया गया तो 160 कार्टून
लगभग 60 कार्टून दारू है, जिसमें रॉयल मेंशन करके नाम है, रॉयल मेंशन नाम दारू था, और कुल मिलाकर करके लगभग 1400 लीटर होता है दारू बरामद किया गया। बरामद करने के ही क्रम में 3 व्यक्ति जो है संदेहावस्था में पी कर करके पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पूछताछ करने के लिए उसको पकड़ा गया। जिसने अपना नाम तीनों अपना नाम बताया, वह तीनों व्यक्ति पिए हुए थे, जिसका हम लोग पीने के समय में जांच कराया गया, तीनों को दारू पीने की पुष्टि की गई है। इस कांड में संलिप्तता के संबंध में उससे गहराई से जांच की जा रही है। यह भी पता चल चुका है कि यह दारू किसने मंगाया था और किस किस को जाना था, उन लोगों के विरुद्ध में कांड अंकित कर उसके विरुद्ध में छापामारी की जाएगी और शराबबंदी के रूप में विधात्मक कार्रवाई की जाएगी। इंदिरा आवास सहायकों के साथ उप विकास आयुक्त डॉक्टर काली प्रसाद महतो ने समीक्षा किया सदर प्रखंड कार्यालय में। इंदिरा आवास सहायक के साथ उप विकास आयुक्त डॉक्टर काली प्रसाद महतो ने समीक्षा किया सदर प्रखंड कार्यालय में। पंचायतों में पड़े इंदिरा आवास योजना कार्यों की सूची बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिससे लाभुकों को योजना का लाभ मिल सके, इसका विस्तृत प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी गंगा सागर सिंह, अंचलाधिकारी राकेश कुमार मौजूद थे। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। आया होगा आप सभी लोगों को कि एक कैंप करना है, कोई भी आदमी द्वितीय किस्त तृतीय किस्त बना लिया है उसको चाहिए। अभी शिकायत आती है कि लोगों का चप्पल घिस रहा है, लोग दौड़ रहा है, कहाँ जाए किसको दे, इसीलिए एक कैंप किया जाएगा, हम लोग डेट दे रहे हैं, ठीक है। उसमें व्यापक प्रचार प्रसार करिए, पहले से पेपर वेपर में भी हम लोग देंगे, ताकि जिन किसी को भी द्वितीय किस्त तृतीय किस्त कोई लंबित है, वो अपना बहुत औपचारिकता किए बिना एक खाता संख्या एक अपना आधार नंबर के साथ आवेदन दे देंगे, ताकि उसकी जानकारी हो जाए। तो ये भी काम हमको करना है। नेक्स्ट है दो और चीज़ है। अभी आपने समस्या बताया कि हमारे यहाँ एग्जॉस्ट कर दिया और SC ST का एक व्यक्ति विशेष द्वारा खाली जमीन में मिट्टी भर दिया गया, जिससे जल निकासी अवरुद्ध हो गया। पार्टी को सूचना दी गई, लेकिन नहीं पहुंचने के उपरांत अंचला अधिकारी राकेश कुमार के नेतृत्व में वार्ड 16 के पार्षद सोहन यादव के सहयोग से मिट्टी काटकर जल निकासी का रास्ता साफ किया गया। एक व्यक्ति विशेष द्वारा खाली जमीन में मिट्टी भर दिया गया, जिससे जल निकासी अवरुद्ध हो गया। पार्टी को सूचना दिया गया, नहीं पहुंचने के उपरांत अंचला अधिकारी राकेश कुमार के नेतृत्व में वार्ड 16 के पार्षद सोहन यादव के सहयोग से मिट्टी काटकर जल निकासी का रास्ता साफ किया गया। मालूम रहे कि सदर प्रखंड जाने वाली मुख्य सड़कों पर घुटने भर जल जमाव से लोग काफी परेशान थे। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों द्वारा घरों एवं हौज के पानी बहाव से विगत कई महीनों से धर्मपुर इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर सदर अंचल तक की सड़कों पर जल जमाव की समस्या बनी हुई है। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। यहाँ पर मुख से जो जल निकासी का जो रास्ता था, जिससे एक व्यक्ति विशेष द्वारा मिट्टी भर दिया गया था, जिससे जल निकासी बंद हो गई थी, और जल निकासी बंद होने के कारण आमजनों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। रोज आए दिन दुर्घटना हो रही थी, तो जो पूर्व से जो जल निकासी का रास्ता था उसी को आज चालू कर दिया गया। आपने पार्टी को बुलवाया था, लेकिन उन्होंने शायद मना कर दिया। हाँ, पार्टी को सूचना दी गई थी, लेकिन वो आने से मना कर दिया। तो इसके निराकरण में तो हम लोग सबको इसको मिट्टी हटा करके रास्ते को चालू कर, मतलब आप और अंचलाधिकारी महोदय SDO साहब को पहल करके इसका निदान करवाया। प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मारपीट के आरोप में बहादुरपुर प्रखंड प्रमुख का बेटा गिरफ्तार हो गया। बिहार इंटर परीक्षा में शिवानी कुमारी RM कॉलेज पंडौल में वाणिज्य संकाय की टॉपर, मधुबनी जिला की सेकेंड टॉपर बनी।
और गौरव प्राप्त किया। इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में भारी गड़बड़ी, मनमानी के खिलाफ आक्रोशित छात्र छात्राओं एवं महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज के खिलाफ छात्र हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्टर ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका, आयकर चौक के निकट। इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में भारी गड़बड़ी, मनमानी के खिलाफ आक्रोशित छात्र छात्राओं एवं महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज के खिलाफ छात्र हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्लर ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका, आयकर चौक के निकट। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। सेक्लर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन इनकम टैक्स चौराहा पर किया गया है। जैसा कि विगत 6 तारीख को इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है, इसमें देखा गया है कि पूरे बिहार में 12 लाख छात्राओं ने इंटर का रिजल्ट एग्जाम दिया था, जिसमें बड़ी पैमाने पर धांधली किया गया है। छात्र छात्राओं को पटना में दौड़ा दौड़ा कर पिटा गया है, जो एक गैरकानूनी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि आपकी कैसी शिक्षा व्यवस्था है। आज आप देखिए 6 महीना बीतता है, स्कूलों में छात्र छात्राओं को किताब नहीं दिया गया है। की ओर से बिहार बोर्ड में हुए भारी रिजल्ट गड़बड़ी के आक्रोश व्यक्त करने के लिए माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन इनकम टैक्स चौराहे पर किया गया है। अभी विगत इंटर का जो रिजल्ट आया है, उसमें कर्मचारियों के द्वारा भारी गलती किया गया है रिजल्ट में, जिसका खामियाजा छात्र और छात्रा भुगत रहे हैं। सदर प्रखंड के सीसो पूर्वी पंचायत के हारपो वार्ड संख्या 1 में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहाली के लिए आम सभा का आयोजन किया गया। सदर प्रखंड के सीसो पूर्वी पंचायत के हरपुर वार्ड संख्या 1 में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन के लिए आम सभा का आयोजन किया गया। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। कंचन कुमारी पति रामनंदन साहू का बाहुल्य वर्ग से सर्वोच्च मेधा अंक होने के कारण उनका सेविका पद पर चयन किया जाता है तथा सहायिका पद की आवेदिका काजल। आज जो आम सभा हुई है वार्ड 1 में जो सहायिका और सेविका पद के लिए जो द्वितीय आम सभा हो रही है, उसमें मुख्य रूप से तो जिला से रमजान के अंतिम जुमे की नमाज मस्जिदों में अदा हुई, देश समाज और परिवार के लिए दुआओं में उठे हाथ। रमजान के अंतिम जुमे की नमाज मस्जिदों और ईदगाहों में अदा हुई, देश समाज और परिवार के लिए दुआओं में उठे हाथ। खुदा अपने बलियों से होता है राजी, मिलेगी ये दर से हमें सरफराजी। यहाँ दिल से मांगो ये हाजी अली है, खुदा के वली है। समंदर एक नजर दिया, हाजी अली दिया, हाजी अली दिया।
वहीं कैंप महल में भी दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां की ओर से दावते इफ्तार का आयोजन किया गया मोमिन हॉल में। प्रवक्ता डॉक्टर राहत अली, उपाध्यक्ष मकसूद आलम पप्पू खान, महासचिव शाह इमामुद्दीन सरवर, सदस्य मोहम्मद अशफाक अली, महासचिव मोहम्मद मोतीउर रहमान के साथ आम और खास जुटे। साथ ही कैप महल की ओर से भी दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। वीरेंद्र कुमार के साथ सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। इस जहां में चलाया जाए नाका नंबर 5 के ज्वालवी के सामने कैप महल अब नए लुक में लोगों को मिलेगा नए सामानों के साथ ही, जिसका उद्घाटन किया गया। प्रोप्राइटर विकास का कहना है कि बाजार से कम कीमत में सामान उपलब्ध होगा। अपील करेंगे यहाँ पे कैप महल जो पहले से था, ये हम लोगों की सेवा जो है 5 वर्षों से करते आ रहे हैं। ये पहले छोटी प्रतिष्ठान थी, इसको इस बार जो है एक बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है और इस प्रतिष्ठान को खोलने की एक वजह ये भी है कि जो ब्रांड, जो कैप, जो बेल्ट लोग बहुत महंगे खरीदते हैं, वो यहाँ से जो है सस्ते सस्ते में लोगों को मुहैया कराई जाएगी। और क्या क्या उपलब्ध है यहाँ जो है? बच्चों के लिए टोपी, चश्मा, बेल्ट, घड़ी के अलावा पर्स, जेंट्स आइटम में कोई भी जो जैसे ज्वेलरी आते हैं गले का, ठीक है, उसके बाद हैंड पर्स, ये सारी चीज़ यहाँ उपलब्ध हैं। क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से अपील करेंगे कि वो यहाँ आए, सहयोग करें और जहाँ तक हमारी सोच है कि हम अपनी तरफ से लोगों को कम से कम में अच्छी से अच्छी क्वालिटी उपलब्ध कराएंगे। ये थे अब तक के समाचार, विदा लें आपसे, इसे पूर्व हेडलाइंस पर एक नजर। देश के प्रधानमंत्री अपने वादों पर अमल करते तो बदल जाती जम्मू की तस्वीर, सुधर जाता पाकिस्तान, ये कहना है सांसद और बीजेपी से निलंबित नेता कृति आजाद का।
बिना नाम लिए नीतीश कुमार के सबसे करीबी संजय झा को बताया चिरकुट नेता। कहा बिना जमीनी हकीकत जाने झूठे प्रचार करते हैं। पूरे बिहार में विकास हो रहा, दरभंगा में विकास नहीं। सर्वे कार्यालय का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। बंदोबस्ती कार्य फिर से होगा। 50,000 केस है लंबित। कर्मियों की भारी कमी से कार्य है पेंडिंग। खंडहर मकान से 160 कार्टून विदेशी शराब जब्त। नशे की हालत में 3 गिरफ्तार। डीएसपी ने दी तमाम जानकारी। इन मस्जिदों एवं ईदगाहों में अदा हुई रमजान के अंतिम जुमे की नमाज। दुआओं में उठे हाथ। और जगह जगह दाग से इफ्तार पार्टी का हुआ आयोजन। जुटे आम और खास। ये थी अब तक के समाचार। विदा में आपसे इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।